इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रैंड मास्टर का बैनर कब और कैसे मिलता है। हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी आर्मी के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मैं आपके लिए नॉलेज से भरपूर वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, अगर आप भी ग्रैंड मास्टर का बैनर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए इन तक जरूर देखें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये ग्रैंड मास्टर का बैनर जो है वो आपको कब और कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको ये कब मिलेगा। तो अगर आप भी बैनर लेना चाहते हैं तो ये जो बैनर है आपको सीजन के सबसे एंड में मिलेगा। जैसे ही आपका सीजन एंड होता है तो आपके मैसेज बॉक्स में ये बैनर मिल जाएगा। जैसा कि आपने पिछले सीजन भी देखा होगा कि अगर आप भी हीरोइक जाते हो तो आपको सीजन के एंड में मैसेज बॉक्स में एक अवतार के साथ आपको 5000 गोल्ड दिए जाते हैं, और इस अवतार में आपको उस सीजन का नाम लिखा रहता है जिस सीजन आप खेल रहे हो। ये जो अवतार है आपको तभी मिलेगा अगर पूरे सीजन में कभी भी आप हीरोइक जाते हो, तो ये जो अवतार है वो आपके मैसेज बॉक्स में आ जाएगा। तो कितने बंदों का सवाल होता है कि ये जो ग्रैंड मास्टर का बैनर है वो अगर हम एक बार ग्रैंड मास्टर चले जाते तो हमको मिल जाएगा। तो इसका भी जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए बताते हैं कि अगर सीजन के आप स्टार्ट में ही ग्रैंड मास्टर चले जाते हैं तो आपको ये बैनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रैंड मास्टर सीजन के स्टार्ट में ही चले जाते हो फिर भी आपको ये बैनर नहीं मिलेगा, तो आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम स्टार्ट में ग्रैंड मास्टर जाते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलता है बैनर। तो यहाँ पे गरीना ने लिख रखा है कि टॉप 300 बंदों को ही ग्रैंड मास्टर का बैनर मिलेगा। बट यहाँ पे एक और बात आता है कि अगर एक बार आप टॉप 300 में चले जाते हो तब मिलेगा क्या आपको ग्रैंड मास्टर का बैनर। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आपको ये ग्रैंड मास्टर का बैनर नहीं मिलेगा। तो अगर आप ग्रैंड मास्टर का बैनर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीजन के लास्ट तक आपको टॉप 300 प्लेयर में आना होगा। तो चलिए आप बताते हैं कि अगर आप टॉप 300 बंदों में आना चाहते हैं तो आपको कितना स्कोर करना होगा सीजन के एंड तक। तो इसके लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 13,000 से 14,000 के बीच में होना चाहिए, तभी आप टॉप 300 में रह पाओगे। और अगर आप सोच रहे हो कि आप अकेले इतना स्कोर कर सकते हो तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आइए बताते हैं कि अगर आप भी ग्रैंड मास्टर का बैनर लेना चाहते हो तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2 या 3 बंदे खोजने हैं जो आपकी आईडी आपके बाद खेल सके। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब आपका स्कोर 5000 होता है तभी से आपका जो प्लस होता है वो ओनली 10 होता है, और अगर आप ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हैं तो आपको पर डे 300 प्लस करना होगा, और इसके लिए आपको कम से कम 15 से 16 घंटा चाहिए। तो इतना आप अकेले नहीं खेल सकते, इसलिए आपको एक बंदे या दो बंदे को रखना जरूरी है जो कि आपकी आईडी खेल सके। तो हमारा तीसरा सवाल है कि अगर आप भी ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हैं तो आपको कितना टाइम गेम में देना होगा। तो ये मैं क्लियर से बता दूं कि अगर आप भी ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो तो आपको फिक्स 16 से 17 घंटे आपको गेम में देना होगा, तभी जाके आप ग्रैंड मास्टर का बैनर और अवतार ले सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास 2 या 3 फ्रेंड है जो आपका रैंक पुश कर सकते हैं तभी आप ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करो, क्योंकि अगर आप अकेले पुश करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हीरोइक 5 स्टार कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो तो सीजन इन होने के तुरंत बाद ही आपको रैंक पुश करना है और आप आसानी से ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। बट यहाँ पे दिक्कत यह है कि आपको जो बैनर और अवतार है वो आपको ग्रैंड मास्टर का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर आपको ग्रैंड मास्टर का बैनर और अवतार चाहिए तो आपको सीजन के लास्ट दिन तक आपको ग्रैंड मास्टर में रहना पड़ेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने भी इस सीजन ग्रैंड मास्टर पुश किया और 2 दिन में मैं ग्रैंड मास्टर चला भी गया। तो अगर आप भी ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको ग्रैंड मास्टर जाने का टिप्स एंड ट्रिक दे दूंगा। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं जल्दी इस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान देना है। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा डुओ पार्टनर या एक स्क्वाड होना चाहिए जो कि आपका रैंक आसानी से पुश कर सके। तो आप बात कर लेते हैं कि अगर आपको ग्रैंड मास्टर का बैनर मिला है तो आप कितने दिन तक उसे यूज कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आपका सीजन एंड होगा आपके मैसेज बॉक्स में ग्रैंड मास्टर का बैनर और अवतार आ जाएगा। तो ये जो बैनर आपको मिलेगा वो सिर्फ आपको 60 दिनों के लिए ही मिलेगा, और अगर आप फिर से ग्रैंड मास्टर जाते हो तो आपको फिर से एक 60 दिनों के लिए बैनर और अवतार मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है कि आप जिस सीजन रैंक पुश कर रहे हो ग्रैंड मास्टर के लिए आपको उस सीजन बैनर नहीं लगा सकते ग्रैंड मास्टर का,
क्योंकि उस सीजन आपको ग्रैंड मास्टर का बैनर मिलेगा ही नहीं। आपको सीजन के एंड में ग्रैंड मास्टर का बैनर मिलेगा और आप उसे अगले सीजन के लिए यूज कर सकते हो। तो इससे फायदा यह है कि अगर आप ग्रैंड मास्टर में इस सीजन रहते हो तो आपको तो फायदा है कि आप इस सीजन में ग्रैंड मास्टर में हो, और आपको अगले सीजन का भी फायदा है कि बंदों को पता लगेगा कि आप पिछले सीजन ग्रैंड मास्टर में थे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आप भी ग्रैंड मास्टर पुश करना चाहते हो अगले सीजन, तो आपको जिस दिन सीजन एंड होने वाला है उसी दिन आपको रैंक पुश करना है। और हमारा जो सीजन एंड होने वाला है वो 26 तारीख को होने वाला है, मीन्स 26 फरवरी। तो आपको भी 26 फरवरी को रैंक पुश करना है। अगर हैकर नहीं आए तो आप भी आसानी से ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप ग्रैंड मास्टर के अवतार और बैनर के लिए रैंक पुश कर रहे हैं तो उसके बीच में हैकर बहुत आएंगे, फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप ग्रैंड मास्टर का बैनर और अवतार लेना चाहते हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। हैकर जितना माइनस कराते हैं आपको उतना प्लस करना है और आराम से ग्रैंड मास्टर के लिए डटे रहना है, तभी जाके आपको ग्रैंड मास्टर का बैनर मिल पाएगा। अगर आप भी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप भी अपना रैंक पुश कराना चाहते हैं या डायमंड जीतना चाहते हैं तो आज लाइव स्ट्रीम में 4 बजे जरूर आएं। यहाँ पे मैं आपके साथ लाइव में खेल के आपका रैंक पुश करूंगा। और अगर आप डायमंड का गिव अवे चाहते हैं तो हम डायमंड का गिव अवे भी कराएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी लाइव स्ट्रीम करूं तब आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी से लाइव में आ सकें। और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि उसे भी पता लग सके कि ग्रैंड मास्टर का बैनर कैसे मिल सकता है, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे मोटिवेशन को बहुत ही बढ़ाता है। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।